सबको ये स्क्रीन नजर आ रही है? तो एवरीबॉडी कैन सी द स्क्रीन? ठीक जी सर फ्रांस। है जी। अच्छा जी, आज का लेक्चर बड़ा रीडिंग रिलेटेड ज्यादा है, तो मैंने एक्चुअली ये दो चैप्टर हैं बेसिकली, वो मैंने गो थ्रू करने हैं, क्योंकि और मैं चाहता हूँ कि आप लोग बुक अच्छी तरह से पढ़ लें। हेलो 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 हेलो, हाँ जी ठीक है। तो प्लीज ये ना, आपको मैं बुक प्रोवाइड कर दूंगा, आपने बुक अच्छी तरह से पढ़नी है, और आप लोगों ने इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी है। आप लोगों का काम इस दफा ये होगा कि आप लोगों को सारा निम्र जो है वो प्रॉब्लम बता देंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज की कंप्लीट करनी है आपने। वो एक्सरसाइज आप लोगों ने सबने इस वीकेंड पे बैठे करनी है, ठीक है? और फिर आपका नेक्स्ट वीक में लैब में क्विज होगा, ठीक है? कोई भी मसला कहीं भी समझ में ना आए रीडिंग से रिलेटेड, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है ना? हमें ग्रुप पर सेंड करें, ग्रुप पे हम डिस्कशन कर सकते हैं, फेसबुक पे भी कर सकते हैं, क्लासरूम पे भी कर सकते हैं, ठीक है? हेलो 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 हेलो, चले जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही चले आवाज? ठीक है ये जी। सब आ रही आवाज? अच्छा जी, चलो जी स्टार्ट करते हैं। ये है चैप्टर सिक्स, इसकी मैंने पहली एग्जांपल यहाँ से करनी है, बाकी मैं दूसरी बुक पे शायद शिफ्ट हो जाऊँ। सो लुक एट दिस जी, ये ना डिटेल की बुक है, बड़ी मजेदार लिखी हुई बुक है। तो चैप्टर नंबर सिक्स है, पुराने फोर्थ एडिशन का, आजकल इसका नाइन्थ एडिशन चल रहा है, लेकिन आई लाइक दिस द बिगिनिंग ऑफ दिस फोर्थ एडिशन बेटर, ठीक है? अच्छा, ये इसकी आउटलाइन है, लेट मी नॉट गो इन टू दिस, हम गो थ्रू करेंगे इसे ही, ठीक है? अच्छा, रीड दिस दिस इंट्रोडक्शन बाय योरसेल्फ। मेरे ख्याल में मैंने बहुत डिटेल में इसके बारे में बात कर दी है, बट लेट्स टॉक अबाउट दिस। हाँ जी, आपके सामने ये एक ये क्या नजर आ रहा है ये? सो व्हाट इज दिस जी, ये क्या है? स्ट्रक्ट है सर। जी ये एक स्ट्रक्ट है, ठीक है ना? और इस स्ट्रक्ट के का साइज कितना होगा? अगर मैं बाइट्स में पूछूं तो इसका साइज कितना होगा? मेमोरी में अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊं तो मेमोरी में इसका ऑब्जेक्ट कितने कितने बाइट्स का होगा? 12 12? ट्वेल्व हाँ 12 बाइट, ट्वेल्व 12 बाइट का, ठीक है? ये 12 बाइट का होगा, ठीक है? और इसकी मैं थिकनेस थोड़ी सी शॉर्ट कर देता हूँ। थिकनेस कैसे होती है? हाँ ठीक है, लाइट कर देता हूँ, ठीक है जी। सो इसमें अगर आप देखें तो ये आवर है, ठीक है, ये मिनट है, और ये इसका सेकेंड है, ठीक है ना? ठीक है, जब भी इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। तो अगर मैं इसका साइज ऑफ निकालूं, अगर मैं कहूँ यहाँ पे सी आउट, और यहाँ पे कह दूं साइज ऑफ, और यहाँ पे टाइम डेटा टाइप लिख दूं, या कोई इसका बनाया हुआ ऑब्जेक्ट लिख दूं, तो कितना आएगा? 12 बाइट आएगा, 12 लिखा हुआ आएगा, ठीक है ना? डज इट मेक सेंस? ठीक है ना? अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, ये आपके सामने एक एक पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है, मुझे इसके बारे में बताएं कि ये इसकी मेमोरी की शेप कैसे बनेगी। ओहो, अंडू कैसे करते हैं? अंडू अंडू अंडू, रेजर पकड़ा और रेजर से रेजर्स कर दिया, और बाहर ड्रॉ में आ जाते हैं जी। बताएं, सो ये क्या हो रहा है, मुझे ये बताएं, थोड़ा मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ जी। बताएं जी, ये क्या हो रहा है? पहली लाइन पे क्या हो रहा है, ये क्या चीज़ है? हाँ जी, ये क्या हो रहा है? मेमोरी में कितने बाइट एलोकेट होंगे, ये बताएं ट्वेल्व जी? 12 बाइट, ये मेमोरी में 12 बाइट रिजर्व हो जाएंगे, ठीक है? बाइट्स रिजर्व हो जाएंगे। व्हाट अबाउट दिस? 120 हाँ, 120 बाइट्स रिजर्व होंगे, और मुझे बताएं कहां पर होंगे, स्टैक पे होंगे या हीप पे होंगे? स्टैक पे होंगे, स्टैक स्टैक पे। स्टैक पे होंगे, ठीक है? स्टैक पे होंगे, ज्यादा याद रखिएगा, ठीक है ना? और कितने होंगे ये बेसिकली? 12 मल्टीप्लाई बाय 10,
That is equal to 120 bytes. Okay. What about this? ये क्या बनाएगा? ये क्या बनाएगा? जी, ये क्या बनाएगा? हाँ जी बताएं, ये क्या बनाएगा? सर एक टाइम पॉइंटर बनाएगा स्टैक में और उसको टाइम ऑब्जेक्ट का एड्रेस असाइन कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो ये कोई एक ऑब्जेक्ट बना था, ठीक है, ये टाइम टाइप का टाइम ऑब्जेक्ट, इसका कोई एड्रेस है, लेट्स से 0x100, ठीक है। ये जो बना है ये बेसिकली स्टैक पर ही एक और 4 बाइट एलोकेट हुए हैं, 4 बाइट, और इसका नाम है टाइम पीटीआर, सो टाइम पीटीआर, ठीक है। और इसके अंदर क्या स्टोर हुआ होगा? 0x बता दिया करो यार, क्या हो गया, आप तो जवाब क्यों नहीं देते? इसमें किसका एड्रेस आया होगा? जैसे इसका ये बना है जाकर 0x100 के ऊपर, तो इसमें किसका एड्रेस आ जाएगा? टाइम ऑब्जेक्ट का। हाँ, तो कितना क्या होगा बता दो? 0x100, ठीक है। अच्छा, ये लाइन क्या करेगी? जी, ये लाइन क्या करेगी? जी, टाइम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बना देगी। जी, जिसका मतलब क्या है? क्या नई मेमोरी बनेगी? नहीं, टाइम ऑब्जेक्ट की मेमोरी को नया नाम मिल जाएगा। इसी मेमोरी का एक और नाम आ गया है जिसका नाम है टाइम रेफरेंस, ठीक है। मैं पूरा नाम ही लिख रहा हूं, मैं टाइम रेफरेंस, तो कोई नई मेमोरी नहीं बनी। ये बात समझ आई? ठीक है, डज इट मेक सेंस? ठीक है, अब सवाल यह है कि इसके अंदर एट्रीब्यूट को एक्सेस कैसे करते हैं, ठीक है। और उसका तरीकाकार ये, या तो आप ये लिखें, सो टाइम ऑब्जेक्ट डॉट आवर करेंगे तो उसका आवर एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो टाइम ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर 3 और ब्लॉक्स बने हुए, 1, 2 और 3 है, ठीक है। सो जब मैं ये आवर करता हूं तो बेसिकली ये वाला ब्लॉक एक्सेस होगा, ठीक है। अच्छा, टाइम रेफरेंस डॉट आवर करूंगा तो ये भी किस कौन सी मेमोरी एक्सेस करेगा? जी, ये भी कौन सी मेमोरी एक्सेस करेगा? टाइम ऑब्जेक्ट आवर। बिल्कुल, वो भी यही जगह से एक्सेस करेगा, ठीक है। और एक तरीका और है कि मैं उस पॉइंटर के थ्रू मैं आवर एक्सेस करूं। दिस इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू क्या, कि मैं टाइम पीटीआर को क्या कर रहा हूं, डी रेफरेंस कर रहा हूं, यानी स्टार लगा रहा हूं, और उसके आगे डॉट लिख के क्या कर रहा हूं, आवर लिख रहा हूं। ये इसका शॉर्टकट है, दिस इज द सेम थिंग, ठीक है ना। और हमें पता है टाइम पीटीआर में किसका एड्रेस पड़ा हुआ है, इसी लोकेशन का एड्रेस पड़ा हुआ है, 0x100। डज इट मेक सेंस? तो दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ थ्रू पॉइंटर एक्सेसिंग द एट्रीब्यूट, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये अब हम एक और एग्जांपल कर रहे हैं, मैं एग्जांपल पे डायरेक्ट जा रहा हूं। अच्छा, इसको थोड़ा भूल जाएं हम, ये ऐसे नहीं लिखते, हम इसकी जगह क्या लिख देते हैं ऊपर, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है। तो वो इस ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इस तरह ये भी सेट फिल और सेट डब्ल्यू मैंने आपको बताए थे, इसके लिए भी हम एक दफा बस यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिख देते हैं, वो खुद ब खुद इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। ये एक लाइन में कहूंगा, वो दोबारा खुद जाकर पढ़ लेना। ये बेसिकली एसटीडी कॉलन कॉलन सी आउट का मतलब ये कि सी आउट बेसिकली एक ग्लोबल वेरिएबल है जो कि इस लाइब्रेरी में बनाया हुआ है। और जब हम कहते हैं ना एसटीडी कॉलन कॉलन सी आउट, उसका मतलब मैं उस पूरी लाइब्रेरी में सिर्फ सी आउट को यूज कर रहा हूं। और जब मैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी कह देता हूं तो नेम स्पेस एक्चुअली आप समझ लें एक ब्लॉक का नाम होता है, और इस ब्लॉक में बनाए हुए जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे आप कह रहे हैं कि मैं यूज करूंगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आईओ स्ट्रीम के अंदर ना एक नेम स्पेस डिफाइन है जिससे कहते हैं नेम स्पेस एसटीडी, और इसके अंदर ना बेसिकली हमने इन्होंने सी आउट डिक्लेयर किया हुआ है, इसी में सी इन भी डिक्लेयर किया, और भी बहुत कुछ डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। जब मैं कहता हूँ ना नेम स्पेस, सो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, तो इसका मतलब मैंने पूरा एसटीडी यूज करना है,
लेकिन जब मैं कह दूं एसटीडी कॉलन कॉलन सी आउट, तो उसमें सिर्फ ये दो लाइनें इंक्लूड होंगी, बाकी सारी इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर बेबहा चीजें इंक्लूडेड हैं, बस मैं ये लिख दूं, तो ये बेसिकली थोड़ा सा एफिशिएंट तरीका है, ठीक है ठीक है। बट हम अब इसको यूं लिखते हैं, सही है, बट अगर कहीं नजर भी आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं, जैसे हाय हाय ये पता नहीं क्या लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा जी, ये अब आपके सामने स्ट्रक्ट, ये आपके सामने स्ट्रक्ट है, ठीक है। तो ये दो फंक्शन लिख रहा है, इसका नाम है एक है प्रिंट यूनिवर्सल और एक है प्रिंट स्टैंडर्ड, ठीक है। इन दोनों में एक फर्क क्या है? अच्छा, एक तो बड़ी जबरदस्त बात है, इसको किस डेटा टाइप का ऑब्जेक्ट पास हो रहा है? जी बताएं, टाइम टाइप का ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, और उसके साथ उसने कॉन्स लगा दिया। कॉन्स लगाने का सिर्फ मतलब ये, और बाय रेफरेंस भी पास हो रहा है। बाय रेफरेंस का मतलब है, अच्छा बताओ इस फंक्शन के अंदर जो ऑब्जेक्ट हम पास करेंगे क्या वो कांस्टेंट होना जरूरी है? सर अगर आप बाय रेफरेंस करें तो कांस्टेंट फिर तुक नहीं बनती ना कांस्टेंट लगाने की। नहीं, बाय रेफरेंस कर रहे हो तो कांस्टेंट लगाना जरूरी होता है, अक्सर लगाना जरूरी होता है, मतलब कॉपी नहीं बनेगी इसमें। रेफरेंस अगर आप पास कर रहे हैं तो कांस्टेंट ना कांस्टेंट लिखें, अगर आपने उसको रीड ओनली पर्पस के लिए यूज करना है तो। तो अगर मैं इस डिनर टाइप के ऑब्जेक्ट को इस फंक्शन में पास करूं और साथ लेके रिसीविंग एंड पे मैंने कांस्टेंट लगा दिया, इसका मतलब है कि इस फंक्शन के अंदर आप इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। सो आई एम एक्चुअली गेटिंग एन ऑब्जेक्ट बाय रेफरेंस, बट आई एम नॉट अलाउड टू चेंज इट, दैट्स व्हाट इट मींस। तो इसीलिए हमेशा जब भी आप प्रिंट फंक्शन में ऑब्जेक्ट भेजें तो एक्चुअली इट इज ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप क्या करें, उसके अंदर साथ कॉन्स लगा दें, ये कॉन्स लगा दें। इसका मकसद सिर्फ ये है कि मैं इस ऑब्जेक्ट को जो आप पास करेंगे बेफिक्र हो जाए, मैं उसकी वैल्यू चेंज नहीं करता। समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? मैं उसे रीड ओनली पर्पस के लिए यूज करूंगा। डज इट मेक सेंस? यस। शाबाश, ठीक हो गया, चलें जी आगे चलते हैं। अच्छा ये देखे जी, ये आपके सामने एक एग्जांपल बना रहा है, बड़ी मजे की एग्जांपल है। यहां पे लिखता है डिनर टाइम का एक ऑब्जेक्ट बनाता है, उसके अंदर ये क्या कर रहा है? अभी तक मुझे ये बताएं, ये लाइन क्या करेगी? सो ये इसने डिनर टाइम का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, इसके अंदर ये चार हिस्से हैं, आवर मिनट और सेकेंड। हाँ जी बताएं, ये क्या करेगा? सर इनको वैल्यू असाइन कर रहा है, इनिशियलाइज कर रहा है ना। आदेश, शाबाश। 18 30 और 0। शाबाश, ठीक है। अच्छा आप उसके बाद ना ये प्रिंट यूनिवर्सल कॉल करता है और प्रिंट स्टैंडर्ड कॉल करता है। यूनिवर्सल मेरे ख्याल में ये होता है जो ना ऐसे नहीं होता, इनमें से एक ये होता है, जैसे अगर 18:30 ही आउटपुट कर देगा और 0 सेकंड ही आउटपुट कर देगा, ठीक है। और जो प्रिंट स्टैंडर्ड मेरे ख्याल में इनमें से एक होता है, वो होता है 6:30 00 सेकंड और यहाँ पे लिख देगा PM। मुझे नहीं पता इनमें से कौन सा है, तो ये आउटपुट कर देगा, ठीक है। ये फंक्शन अभी हम लिखते हैं, ठीक है। बाद में ये लिखना इतना मुश्किल काम नहीं है, बड़ा आसान सही है। तो प्रिंट स्टैंडर्ड बेसिकली बस ये काम करना है कि अगर ये यूनिट डिजिट है, अगर ये 30 की जगह 3 होता तो यहाँ पे क्या आउटपुट होता? 03 03। तो 03 करने के लिए ना हम एक काम करते हैं, यानी बेसिकली जब हमने किसी का टाइम का सेकंड आउटपुट करना हो ना या मिनट आउटपुट करना हो ना, तो हम उससे पहले एक काम कर देते हैं कि यहाँ पे कह देते हैं भाई अब जो चीज आउटपुट होने लगी है ना उसकी विड्थ है। सो वो कहता है सेट विड्थ और यहाँ पे कह देता है 2 का मतलब है इसकी विड्थ 2 है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे 3 आउटपुट होगा तो उसको वो स्पेस 2 कर देगा। लेकिन अगर उससे पहले हम एक और काम कर दें यहीं पर कि सेट फिल की वैल्यू हम कर दें 0, ये 0 कैरेक्टर 0, इसका मतलब है कि अब स्पेस से फिल ना हो बल्कि किससे फिल हो? 0 से फिल हो, ठीक है। तो ये मैं भी दिखाता हूं आपको। सो लुक एट दिस, मैं आगे ऐसे कर रहा हूं, ये फंक्शन देखें, ये देखें, ये दोनों फंक्शन देखें। वो कहता है भाई ये देखो सेट फिल को कर दो 0, ये एक दफा जब सेट हो जाए तो फिर वो आगे तक सेट ही रहता है, ठीक है।
और उसके बाद वो कहता है सेट w2 और यहां पे कर देता है t dot hour. अब अगर आवर की वैल्यू 3 होती तो ये यहां पर आउटपुट क्या करता, 03. ठीक है, उसके बाद ये कॉलन आउटपुट कर देगा. अब अगर मिनट की वैल्यू 5 होती तो ये क्या आउटपुट करेगा, सेट w दोबारा उसने 2 कर दिया तो ये क्या आउटपुट करेगा, 05. ठीक है, और सेकंड की वैल्यू लेट्स से उसने 15 कर दी होती तो ये क्या आउटपुट करेगा, ये सेट w, तो ये 15 का 15 ही रहेगा. ठीक है, तो ये आउटपुट हो गया. ये सबको समझ में आ गई बात, ये सेट, ये प्रिंट यूनिवर्सल क्या कर रहा है. ठीक है, उसके बाद है प्रिंट स्टैंडर्ड. ये थोड़ा सा केयरफुल रहता है, क्यों, क्योंकि सबसे पहले उसने आवर आउटपुट करने, आवर को कहता है हाँ भी कहीं टी डॉट आवर की वैल्यू जो है वो 12 या 0 तो नहीं है. अगर 12 या 0 है तो इन दोनों के केस में ये आपने टर्शरी स्टेटमेंट देखी होगी, ये देखी थी ना, मैंने आपको बच्चों आपको बताई भी थी, ये कंडीशन होती है. सो बेसिकली टर्शरी स्टेटमेंट ये होती है कि अगर मैं लिखूं, यहां पर लिखूं कोई कंडीशन और यहां पे लिखूं क्वेश्चन मार्क और यहां पे कोई एक स्टेटमेंट लिखूं, स्टेटमेंट वन, और यहां पे कॉलन लिख के यहां पे लिख दूं स्टेटमेंट टू. ठीक है, तो अब अगर ये और यहां पे मैंने कोई भी एक वेरिएबल है जिसको ये वैल्यू असाइन की हुई है, तो अगर मैं कहता हूं कि ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट चलेगी, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो कौन सी स्टेटमेंट चलेगी, ये स्टेटमेंट. ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है अगर आवर की वैल्यू 0 या 12 है तो ये क्या आउटपुट कर दे, 12 आउटपुट कर दे. अदरवाइज क्या करे, टी डॉट आवर का मॉड ले ले 12 के साथ. ठीक है, तो अब अगर आवर में पड़ी हुई है वैल्यू 6, तो 6 का मॉड 12 क्या होता है, 6 ही होता है. और अगर यहां पे 16 लिखा होता तो 16 का मॉड 12 क्या होता है, 4 हो जाएगा. समझ में आई बात, और यही होना चाहिए यहाँ पे आउटपुट. डज इट मेक सेंस. ठीक है, तो ये हो रहा है. अदरवाइज वो उनका उसका मॉड आउटपुट कर देता है और फिर कॉलन लगाता है, फिर सेट फिल 0 करता है और फिर जो मिनट है वो आउटपुट कर देता है, फिर सेट फिल करेगा और आवर डिस्प्ले कर देगा, सेकंड डिस्प्ले कर देगा और साथ लिख देगा हाँ भाई यहाँ पे दोबारा कंडीशन लिखी हुई, अगर टी डॉट आवर की वैल्यू लेस देन 12 है तो ये लिख देगा AM, और अगर वो ग्रेटर है तो वो क्या कर देगा, PM. अदरवाइज वो आउटपुट कर देगा इक्वल टू या ग्रेटर देना तो वो PM आउटपुट कर देगा. डज इट मेक सेंस, डज इट मेक सेंस टू यू. लेकिन एक बहुत बड़ा मसला होने वाला है, और मसला ये है, सो फार सो गुड, ये सबको समझ में आ गया कि ये आउटपुट क्या होगा. यहां तक सबको समझ में आ रही है, इसकी आउटपुट क्या आएगी बता सकते हैं मुझे, 18:30 और 00 सेकंड, और इसका क्या आउटपुट होगी, 6:30 और आउटपुट ये हो जाएगी. ठीक है ना, लेकिन आगे एक बहुत बड़ा मसला होने वाला है, और वो मसला ये है, अगर मैं डिनर टाइम को ये कर दूं, डिनर टाइम डॉट आवर इज इक्वल टू 29 और डिनर टाइम डॉट मिनट इज इक्वल टू 73, ये एक मसला नहीं हो गया, क्या मसला हुआ मुझे बताएं. हाँ जी, क्या मसला हुआ, ये टाइम पॉसिबल ही नहीं है, ये तो टाइम रेंज वैल्यूज दे दी आपने से. एग्जैक्टली, और स्ट्रक्ट के अंदर जो सी के स्ट्रक्ट थे उसके अंदर सबसे बड़ा मसला ये था कि आप चाहे स्ट्रक्ट को आपको आपने एक्सेस कम पूरी की पूरी दी हुई है, जब पूरी की पूरी दी है तो फिर आप उसे छेड़छाड़ भी कर सकते हैं. ठीक है, ऊप के अंदर सबसे कमाल बात ये होती है कि आप उनके प्राइवेट एट्रीब्यूट को एक्सेस करना डिसेबल कर सकते हैं, और उसका एक बहुत बड़ा फायदा हो जाता है. मैं अभी आपको वो फायदा होकर दिखाता हूं. सो फॉर एग्जांपल, आप इसकी आउटपुट क्या होगी, ये आउटपुट कर देगा 29 का मॉड लेते हैं 12 के साथ, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा जी 12 दुनिया कितना होता है 24, तो ये आ जाएगा 05. सो 5:73 आउटपुट हो जाएगा और यहाँ पे 00 आ जाएगा, जो कि बहुत गलत आउटपुट. ठीक है, ये आउटपुट बल्कि स्टैंडर्ड्स ने किया तो ये पूरा पूरा एज इट इज आ जाएगा, जो कि गलत बात. ठीक है, अब हम ऊप पे जाते हैं. ऊप में सबसे कमाल बात ये है, देयर इज ए ब्यूटीफुल एब्स्ट्रैक्शन इन डेटा टाइप्स. एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि बाहर तो उसने दिखाना ही नहीं है, यानी यूजर जो है, जो प्रोग्रामर है जिसने उसको इंजीनियर की बनाई हुई चीज को यूज करना है, वो उससे हाइड कर देता है. जब हाइड करता है तो उसके प्राइवेट एट्रीब्यूट को वो एक्सेस नहीं कर सकता,
तो उसको उसको इनिट फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, और इनिट के अंदर हम एक कमाल काम कर सकते हैं। तो यू लुक एट दिस, यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे इसमें क्या किया है, टाइम की एक क्लास बनाई है और इन अट्रीब्यूट्स को उसने क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया। और प्राइवेट करने के बाद उसने बेसिकली तीन कंस्ट्रक्टर, एक कंस्ट्रक्टर बनाया, एक उसने सेट टाइम बनाया और एक उसने प्रिंट यूनिवर्सल और प्रिंट स्टैंडर्ड बनाया। अब ये फंक्शंस ने क्लास के अंदर ही बना दिया, ठीक है। अच्छा, टाइम जब एक तो और बड़ी जबरदस्त बात कि जब हमने पहले स्ट्रक्ट बनाया था, स्ट्रक्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया था, तो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यूज क्या आई थी, यहां बताऊं मुझे। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर जाके मैं अगर ये लिख देता, यहीं पर जाके मैं कह देता डिनर टाइम और यहां पे मैं और ये डिनर टाइम के ऊपर प्रिंट यूनिवर्सल कॉल कर देता, तो ये क्या आउटपुट होता, गार्बेज वैल्यू आउटपुट, जो कि फिर एक गलत बात थी। इसके अंदर आप देखना फायदा, देखना क्लासेस के अंदर क्या होता है, ठीक है। क्लासेस के अंदर सबसे ज्यादा फायदा क्या है, सबसे पहले तो उसने बना दिया एक कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर से एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। फिर उसने सेट टाइम का एक फंक्शन बनाया और फिर प्रिंट यूनिवर्सल और प्रिंट स्टैंडर्ड, वो तो बिल्कुल वैसे ही होंगे। और यहां देखें ये करता क्या, सो लुक एट द इंप्लीमेंटेशन, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। डू यू अग्री कि जो ऑब्जेक्ट पहले बना था अभी भी 12 बाइट का बनेगा, ये भी जितनी पहले 12 बाइट जरा 5 यानी 12.60 साइज का बनेगा, और यहां पर भी एक रेफरेंस बन रहा है, यहां पर एक पॉइंटर बन रहा है, कोई फर्क नहीं है इनके दरमियान, ठीक है। अच्छा, द ओनली डिफरेंस इज कि आप प्राइवेट एट्रीब्यूट को बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। सो ये देखें ये क्या करता है, ये टाइम की क्लास बनाई है इसने और ये इसकी की डॉट एच है। अच्छा, डॉट एच के बाहर से आगे बाहर जाके इसको इसका इसने कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर में इसने बाय डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर दी क्या, इज इक्वल टू 0, ठीक है। और देखें सेट टाइम क्या करता है, सेट टाइम के अंदर आवर को इसने ये क्या लिखा हुआ, ये बताए ये लाइन क्या लिखी, इस लाइन को समझे, सर अगर वैलिड टाइम है तो वो डिस्प्ले कर देगा वरना जीरो डिस्प्ले कर देगा, डिस्प्ले नहीं उसको असाइन करेगा, डिस्प्ले नहीं कर रहा है ये, आवर की वैल्यू जो आई पास हुई है अगर वो विद इन द रेंज है यानी 0 से लेकर 24 तक है तो फिर तो एच ही असाइन कर दो, अदरवाइज क्या असाइन कर दो, 0 असाइन, डज इट मेक सेंस। और आप देखिए सिमिलरली वो मिनट के भी ऊपर भी रेंज लगा देता है कि क्या वो वैल्यू 0 से लेकर 60 तक के 59 के दरमियान में है, अगर है तो मिनट ही असाइन करो वरना इसको 0 कर दो, और सिमिलरली सेकंड को भी वो यही करता है, डज इट मेक सेंस। एंड नाउ लुक एट दिस, प्रिंट फंक्शन बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था, प्रिंट स्टैंडर्ड भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था, और अब हम एग्जैक्टली वही मेन चलाते हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि अब ऑब्जेक्ट के अंदर प्रिंट यूनिवर्सल है और प्रिंट स्टैंडर्ड है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम टाइम टी बनाया, अभी हमने इनिशियलाइज भी नहीं किया, और अगर हम स्टैंडर्ड और ये कॉल करेंगे तो आउटपुट होगा 00000, या अगर हम स्टैंडर्ड आउटपुट करेंगे तो 12 AM आउटपुट करेगा, ठीक है। और मजे की बात, अब अगर आप इसको 13:27:06 असाइन करें तो ये बिल्कुल वैसे ही आउटपुट करेगा जैसा करना चाहिए, और अगर आप इसको इनवैलिड वैल्यू असाइन करेंगे तो ये इसकी जगह क्या असाइनमेंट होगी, इनवैलिड अटेम्प्ट किया आपने लेकिन बैक एंड पे वो उसको ऑटोमेटिकली अपनी डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन कर देगा अगर उसने गलत वैल्यू अटेम्प्ट करने की कोशिश की, ठीक है। डज इट मेक सेंस, डिड यू सी द पावर ऑफ ऊप, कि आपके चीजें इंजीनियर ने हाइड की हैं और उसके ऊपर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म लगा दिया, ये बात समझ आई। ये काम हम अगर ऊप में ना होते तो आपको हर इनिशियलाइजेशन से पहले चेक लगाने पड़ रहे होते कि ये जो वैल्यू असाइन इनपुट में हुई है वो सही वैल्यू है या नहीं है, तो आप पहले इन वैलिड फंक्शन कॉल करो, वैलिड नहीं है तो वैलिड उसकी वो डिफॉल्ट वैल्यू असाइन, ये काम अब ऑटोमेटिकली हो रहा है। डिड यू सी द पावर ऑफ ऊप है, वन पावर ऑफ ऊप, कि एब्स्ट्रक्शन करने से चीजें कितनी आसान हो गई जी, कोई इश्यू तो नहीं है, कोई इश्यू है तो बता दें प्लीज।
जी एवरीबडी इज विद मी। इस एग्जाम्पल में किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए, अगर मसला है तो बता दो, ये आउटपुट होगी। हेलो मेरी आवाज आ रही है? यस सर। जी सर फरहाद आ रही है। ठीक है सो आपको सो प्लीज टेक ए ब्रेथ और दो मिनट की ब्रेक लें और आप इसी के ऊपर सोचें कि ये क्या डू यू अंडरस्टैंड कि क्या हुआ। सो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं, हमने हेडर फाइल अपनी क्लास बनाई, क्लास में ही स्ट्रक्चर बना दिया, ये कंस्ट्रक्टर बना दिया, ये सेटर फंक्शन बना दिया, और कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने डिफॉल्ट वैल्यूज भी असाइन कर दी, और हमने यहां पर क्या किया, यहां पर सेट टाइम के अंदर हमने ये काम कर दी कि इसके ऊपर जो इनिशियलाइजेशन आई उसको हमने चेक किया कि वो सही बाउंड में है या नहीं है, अगर नहीं है तो फिर हमने उसको डिफॉल्ट वैल्यू यानी जीरो असाइन कर, ठीक है, जो हमारे ख्याल में वैलिड होनी चाहिए, ठीक है, और ये उसका इफेक्ट है, ठीक है। सो मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूं, आप इस मेन को अच्छी तरह से देख लें। जी कंस्ट्रक्टर का होना जरूरी है? बिल्कुल, ऊप के अंदर इट इज एक्चुअली रिकमेंडेड कि आप कंस्ट्रक्टर जरूर बनाए, नहीं बनाएंगे तो उससे वो डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन कर देगा जो गार्बेज वैल्यूज होंगी, ठीक है। अच्छा आप ध्यान में रख लेंगे, आप क्लास रिपीट कर दें, मैंने जरा लेट जॉइन किया था। नहीं वो फिर आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है, अब मैं मजीद नहीं कर सकता, तो मसला है तो अटेंडेंस हो गई है? हाँ जी अटेंडेंस हो गई है सर, मैं 2 बजे ज्वाइन किया था सर। नहीं अटेंडेंस आप अटेंडेंस बाद में आखिर में दोबारा ले लेंगे, ठीक है। ओके सर। जी जी एनीथिंग एल्स? चलें जी शुड वी मूव फॉरवर्ड। अच्छा एक मिनट मुझे, मैं ये शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ। अच्छा एक मिनट मुझे, एक मिनट गो थ्रू करने दें इस चैप्टर को। एक मिनट ओके जी। अच्छा मैं इसी बुक को आज फॉलो कर रहा हूँ, उसके बाद मैं अगले चैप्टर यानी मैं अगला चैप्टर जो है वो नेक्स्ट बुक से जाऊँगा, मैं आज इसी बुक को फॉलो करता हूँ। ओके जी लेट मी स्टार्ट शेयरिंग अगेन। एक मिनट All right. So everybody can see the screen now again. Everybody can see the screen again. Yes, sir. Yes, sir. For us. Okay. अच्छा, I'm going to example number 2. अच्छा, example number 2 में अच्छा अब अगला जो topic है उसका नाम है access class scope and accessing class members. अच्छा इसमें छोटी सी एग्जांपल देख लें कि ये इसने अब क्या किया है, एक काउंट का वेरिएबल बनाया है, इसके अंदर इसने एक इंट एक्स रखा हुआ है और इसी के अंदर एक प्रिंट रखा हुआ है,
मुझे बताएं क्या x बाहर accessible होगा? No sir. नहीं होगा, होगा क्योंकि हमने इसको public part, public part में access करने को कहा हुआ है. तो अगर मैं count type का variable बनाता हूँ, एक pointer बनाता हूँ और फिर reference बनाता हूँ, तीनों का मैंने ये assign कर दिया, ठीक है ना? और अब मैं कहता हूँ counter dot x is equal to one, ये line अब चलेगी, ठीक है? हाँ, अगर ये मैं int x और मैं let's say यहाँ पे for example मैं int y भी बना लेता हूँ, लेकिन int y को मैं यहाँ रखता हूँ, private में रखता हूँ. तो अगर मैं यहाँ पर लिखता counter dot y is equal to two, तो ये इस लाइन पे एरर देता. क्या एरर देता? यू आर ट्राइंग टू एक्सेस ए प्राइवेट एट्रीब्यूट फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, इट इज नॉट अलाउड. ठीक है, ये जो प्राइवेट एट्रीब्यूट है ये कहां पर एक्सेसिबल है? ये सिर्फ और सिर्फ इसकी अपनी दुनिया में, ये जो बेसिकली ये जो इंजीनियरिंग मोड है उसके अंदर अवेलेबल. इंजीनियरिंग मोड का मतलब क्या है? कि यहां पर इसके फंक्शन में एक्सेसिबल है, फंक्शन से बाहर एक्सेसिबल नहीं. इसी इंजीनियरिंग मोड की तमाम दुनिया में एक्सेसिबल है, यानी उसकी डॉट हेडर फाइल में और उसकी डॉट सीपीपी में, लेकिन उसको उसके बाद जो सोर्स डॉट सीपीपी है उसके अंदर एक्सेसिबल नहीं है. ठीक है, अच्छा जी, आगे इसने क्या किया हुआ है? मैं काउंट रेफरेंस के थ्रू भी उसे एक्सेस कर सकता हूं. तो काउंट रेफरेंस डॉट एक्स इज इक्वल टू टू करूंगा तो भी वो वैल्यू चेंज हो जाएगी. काउंट रेफरेंस डॉट प्रिंट कॉल करूंगा तो वो प्रिंट टू डिस्प्ले कर देगा. ठीक है, अब अगर मैं पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करना चाहूं तो वो भी कर सकता हूं, कि काउंटर पॉइंटर एरो एक्स करूंगा तो वो बेसिकली उसकी वैल्यू थ्री कर देगा, और अब मैं डिस्प्ले करूंगा तो भी वो थ्री डिस्प्ले करेगा. डज इट मेक सेंस? ये एग्जांपल और इसकी आउटपुट समझ में आ गई है सबको? सर सरफराज, जब हम ये काउंटर PTR लगाएंगे और array x लगाएंगे तो ये पहली x की वैल्यू को एक्सेस करेगा. ये एक ही ऑब्जेक्ट मतलब है बेसिकली. तो सुने बात, ये तस्वीर मैं बना रहा हूं आपके सामने. तस्वीर कुछ यूं है कि ये एक काउंटर का ऑब्जेक्ट है. ठीक है, ये एक काउंटर का एक ऑब्जेक्ट है, इसका अपना एक एड्रेस है, लेट्स से 0x100. ठीक है, इसके अंदर एक 4 बाइट्स हैं बेसिकली, इसके अंदर x पड़ा हुआ है, इसका x का एड्रेस भी 0x100 होगा. जब आप ये पॉइंटर बना रहे हैं, काउंटर पॉइंटर, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट बनेगा 4 बाइट का, इसका नाम होगा काउंटर PTR. इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी वो 0x100 होगी, और इसका अपना जो एड्रेस होगा वो लेट्स से 0x104 होगा. ठीक है, और इसी तरह एक काउंटर रेफरेंस जो बना है वो इसी जगह का एक और नाम है. क्या? काउंटर रेफरेंस. ठीक है, अब जब आप लिखते हैं काउंट PTR एरो एक्स, तो ये लाइन इसमें ट्रांसलेट होती है कैसे? काउंटर PTR डी रेफरेंस. डी रेफरेंस का मतलब है कि इस जगह को, इस एड्रेस को डी रेफरेंस करो, यानी यहां पहुंच जाओ, इस ऑब्जेक्ट पे पहुंच जाओ, इसका डॉट एक्स. ठीक है, तो इसका मतलब इस जगह को एक्सेस कर रहे हैं, तीनों के तीनों एक ही जगह को एक्सेस कर रहे हैं, और वो इस एक्स को एक्सेस कर रहे हैं. ठीक है, डज इट मेक सेंस? ठीक है, शाबाश, आगे चलते. अच्छा जी, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये हमने कल क्लास में कर लिया था कि इंटरफेस और इंप्लीमेंटेशन इनको अलग अलग करना चाहिए, यानी कि बेसिकली हेडर फाइल को हमें क्या करना चाहिए, एक अलग हेडर फाइल में बनाना चाहिए, और इंप्लीमेंटेशन यदि उसकी है वो सीपीपी फाइल में होनी चाहिए, जो आपका विजुअल स्टूडियो ऑटोमेटिकली करता है. ठीक है, यहां पर उसने बताया हुआ है कि दोनों अलग अलग बनती हैं, उनके बारे में वो बताएगा. ठीक है, अच्छा, पुरानी C++ में आपको क्या करना पड़ता था? अब जो नई C++ है उसमें ना आप यहां पे वो खुद ही लिख देता है क्या, हैश प्रैग्मा. ऊपर क्या लिखा हुआ था? प्रैग्मा. आगे क्या लिखा हुआ था? Once. ये इसको ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है, कहता है भाई इस हेडर फाइल को. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मैं इस हेडर फाइल को एक ही दफा इंक्लूड करूं. ठीक है, जिसका मतलब बेसिकली क्या होता है, ये ना लाइनें लिखी हुई है, ये तुम्हें अक्सर पुरानी C++ की फाइलों में नजर आएंगी. पुरानी C++ में इसकी जगह ये लिखा होता था. क्या हम कहते हैं? इफ नॉन डिफाइंड, यानी अगर डिफाइंड नहीं है तो यहां पे आप कोई भी एक लेबल लिखते हैं. तो क्या कह रहा है?
कह रहा है अगर टाइम वन अंडरस्कोर एच डिफाइन नहीं है तो ऐसा करो टाइम वन अंडरस्कोर एच को डिफाइन कर दो, ठीक है। अब मेरी बात गौर से सुनो, लेट्स से इमेजिन करो कि यहां पर एक सीपीपी फाइल है जिसको मैं कहता हूं स्टूडेंट डॉट सीपीपी। अब इसको ना इस टाइम की जरूरत पड़ गई और एक और भी फाइल है जिसका नाम है सेल्समैन मैन डॉट सीपीपी। इसको इन दोनों को जरूरत पड़ी इस टाइम की और ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा हम हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं, तो हम कहते हैं इंक्लूड, यहां हमने कह दिया टाइम डॉट एच और यहां पे भी हमने कह दिया इंक्लूड और यहां कर दिया हमने क्या टाइम डॉट एच, ठीक है। अब मसला ये होता है कि एक ही प्रोजेक्ट में ये दोनों चीजें थी। अब एक बात बताएं, आमतौर पर ये अगर आपका इंट मेन है और इंट मेन में आप यहां पे इंटीजर एक्स लिखें, इसकी वैल्यू 10 कर दें और फिर थोड़ी देर बाद जाके इंटीजर एक्स लिखें जिसकी वैल्यू 20 कर दें, तो ये क्या एरर देता है यहाँ पे? सर ये आपने दो बार डिक्लेयर किया है, cannot declare, दो दफा डिक्लेयर, exactly, यहाँ पर भी यही होगा कि इस सीपीपी में आपने फॉर एग्जाम्पल टाइम डॉट एच इंक्लूड कर दी और फिर टाइम डॉट एच यहाँ भी इंक्लूड कर दी, तो ये तो दो दफा हेडर फाइल यहाँ पे जाके लग जाएगी। तो उसको बचाने के लिए आप कंपाइलर को बता देते हैं कि भाई ऐसा करो ये एक लेबल डिफाइन करो टाइम अंडरस्कोर एच का, और अगर नहीं है डिफाइन तो डिफाइन कर दो। अब फॉर एग्जांपल पहला कोड जब कंपाइल करता है यानी जब बेसिकली इसकी सीपीपी से बाइनरी में कन्वर्जन करता है तो पहले ये चलती है या ये चलती है हमें नहीं पता, वो कंपाइलर डिसाइड करता है। तो अगर पहले ये चलती है तो यह करेगा, ये कहेगा हाँ भाई ये हेडर फाइल इंक्लूड करो, वो यहां आएगा कहीं टाइम अंडरस्कोर एच डिफाइन हुआ है, नहीं डिफाइन हुआ तो ऐसा करो डिफाइन कर दो और उसके बाद ये ले आओ, ठीक है ये ले आओ और वो इंक्लूड कर देता है, यहां पर हैश एंड एफ हो गया। और आप अगली बारी जब इसकी आएगी तो वो कहता है हाँ भी इंक्लूड करो, इंक्लूड करने के लिए वो यहां आता है, देखता है ये लेबल डिफाइन है और क्योंकि लेबल पहले ही डिफाइन हो गया है तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन दोबारा से आपकी कोड की जब बाइनरी कन्वर्जन होनी है। सर समझ नहीं आ रही है बात की, ये समझ में आएगी आप जब पढ़ेंगे, लेकिन मैंने एक दफा बताना है आपको कि बेसिकली इसका ये बिल्कुल वही वाला मसला हो रहा है कि आपकी एक सीपीपी फाइल थी और एक और सीपीपी फाइल थी, आपकी प्रोजेक्ट में मल्टीपल सीपीपी फाइल हो सकती, एक में भी आपने कोई सीपीपी फाइल इंक्लूड की, दूसरी में दोबारा से सीपीपी फाइल इंक्लूड कर ली, वो हेडर फाइल इंक्लूड कर, जैसे आप आयो स्ट्रीम है। अब आयो स्ट्रीम आपने याद है कल की क्लास में हमने कौन सी क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर डॉट सीपीपी में भी इंक्लूड की थी और हमने मेन में भी इंक्लूड की थी, है ना, दो जगह पे मैंने इंक्लूड की है। अब आयो स्ट्रीम वाली जो क्लास है वो वहां पर भी आएगी और यहां पर भी आएगी, अब कौन सी पहले इंक्लूड होती है उस जगह, अगर वो आके जब कंपाइलेशन होती है जब वो बेसिकली उसकी जब एक बाइनरी फाइल बना रहा होता है तो वो एक क्लास को एक ही दफा बनाने देता है, एक क्लास को एक ही दफा बनाने देगा दूसरी दफा बनाने नहीं देगा, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया होता है यहां पर बेसिकली ये लेबल बनाए होते हैं कि अगर पहले किसी ने इंक्लूड कर लिया तो तुम अब इंक्लूड मत करो क्योंकि वो आपके कोड का हिस्सा बन चुकी हुई है तो आप जस्ट उसको यूज कर लो। ये बात समझ आई? तो ये पुरानी C++ में ऐसे लिखते थे और अब नई C++ में हैश प्रैग्मा वंस लिख दें तो ये काम हो जाता है, ठीक है। एवरीबडी अंडरस्टैंड, कोई इश्यू है तो बता दो। जब आप इंक्लूड करवाते हैं तो इंक्लूड जब ये यहाँ पे लिखते हैं ना कि ये बेसिकली जब इंक्लूड लिखते हैं तो इस जगह पर बेसिकली वो पूरी हेडर फाइल यहाँ पे आके पेस्ट हो जाती है। अब यहाँ पे भी पेस्ट होगा, यहाँ पे भी पेस्ट होगा, दो जगह पेस्ट हो जाएगी तो वो तो एक ही क्लास की दो दफा डेफिनेशन आ जाएगी, तो वो कहेगा भाई ये तो आप मल्टीपल डिक्लेरेशन एक ही क्लास कर रहे हैं, ये अलाउ नहीं है, ठीक है। तो आप मजीद जाके इस चैप्टर से पढ़िएगा, ठीक है। तो ये बस उसने वही बताया हुआ, ठीक है। देखो यहाँ पे भी इंक्लूड किया और यहाँ पे भी इंक्लूड किया और अब वो कहेगा भाई मैं मल्टीपल डिक्लेरेशन नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो ठीक है,
तो ये इसने समझाया हुआ है, ये आपने जाके खुद पढ़ना ठीक है टेक्स्ट में। अच्छा कंट्रोलिंग एक्सेस और एक्सेस ऑफ मेंबर्स, ये वो बता रहा है कि ये अगर कोई टाइम का ऑब्जेक्ट है और मैं यहां जाके इसके अंदर चेंजेस करने की कोशिश करूं तो ये यहां पे एरर दे देगा कि यू कैन नॉट एक्सेस ए प्राइवेट एट्रीब्यूट, और इस तरह का एरर आएगा क्या, ये देखिए जी, कैन नॉट एक्सेस ए प्राइवेट मेंबर डिक्लेयर्ड इन द क्लास टाइम, ठीक है, तो ये इस लाइन पे एरर दे देगा, इस लाइन पे भी एरर दे देगा, ठीक है। तो ये अच्छी बात होती है कि बेसिकली आपने चीजों को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया है, आप जिसने इंजीनियर ने बनाया है वो ही बताएगा कैसे इसको तुम एक्सेस कर सकते, ठीक है, और ये बड़ी अच्छी बात है, ठीक है ना। ऑल राइट जी, अब है यूटिलिटी फंक्शंस, ये मैं बताता हूं क्या चीज होती है। ये देखिए, ये इसने क्या किया है, एक सेल पर्सन की क्लास बनाई, ठीक है, और ऊपर उसने वही हैश डिफाइन वगैरह कर दिया, यहां पर इसकी जगह हमारी सी प्लस प्लस में यहां पर ये लिखा होगा हैश क्या होता है प्रैग्मा वंस, ठीक है, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली लिखा जाता है। अच्छा यहाँ पे आप बता सकते हैं, अब ये इसमें इसमें इसने यहां पे क्या किया है और यहां क्या किया है, जी बताएं क्या किया इसने। ये इसने एक सेल पर्सन की क्लास बनाई है और सेल पर्सन की क्लास में उसने यहां पर डबल सेल्स 12 बनाई है, ये बेसिकली हर मंथ की जो जो सेल हुई है वो उसमें सेव करना चाहता है, और फिर वो एक फंक्शन बनाना चाहता है जिसका नाम है टोटल एनुअल सेल्स का। आप बता सकते हैं इसके अंदर क्या होगा, इस फंक्शन के अंदर क्या होगा सर, बाकी सेल्स का और सारी सेल्स क्या करेगा, दोबारा बताओ, 12 महीनों की सेल जमा हो जाएगी उनकी, बेसिकली वैल्यू वो ऐड कर देगा, ठीक है ना, उनको सम कर देगा। अच्छा मुझे बता सकते हैं आपके ख्याल में इसमें क्या हो रहा होगा, इसका सेक्टर में वो क्या करेगा, बेसिकली उसने एक काम करना है, बड़ा सिंपल सा काम करना है, क्या इनमें से हर एक को जाके क्या साइन कर दे, जीरो जीरो साइन कर दे, ठीक है। अच्छा गेट सेल्स फ्रॉम यूजर जो है ये फंक्शन है जो कि तमाम वैल्यूज वो बेसिकली टोटल निकाल के रिटर्न करवाता है, गेट सेल शायद डिस्प्ले करवाता है, अच्छा नहीं गेट सेल जो है वो इनपुट करवाता है, ठीक है, ये यूजर से इनपुट करवाएगा और यूजर से इसे बताएगा कि इस मंथ की ये ऐड कर दो, इस मंथ की ये ऐड कर दो, ठीक है सर। जीरो कैसे साइन कर देगा, वो मैं दिखाता हूँ आपको, वो एक फॉर लूप लगाएगा उसमें ऐड कर देगा। फिर सेट सेल्स है, सेट सेल्स क्या करता है, उसको एक एक फंक्शन है जिसको एक इंट पास होता है और एक डबल पास होता है, आप दसते हैं क्या करेगा, मंथ वाइज सेल्स रखवाता जाएगा, बिल्कुल। आप इसको अगर पास करें सेट सेल वन और 130 point समथिंग, उसको मतलब है वन फर्स्ट मंथ में इतनी सेल हुई है, तो ये जाके फर्स्ट इंडेक्स पे यानी जीरो इंडेक्स पे जाके वो वैल्यू रखवा देगा, ठीक है, ये बात समझ आई। और फिर प्रिंट एनुअल सेल है जो कि बेसिकली पूरी एनुअल सेल करता है, ठीक है। तो अब इस क्लास की डेफिनेशन देखते हैं जो उसने बनाई, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ये देखे दी, ये इसने आयो स्ट्रीम बनाई, सेट टू सीन वगैरह बना दी, इसने ये क्या किया है, ये इसने एक पूरी लूप लगाई है, यहाँ पे ये इक्वल टू है तो यहाँ पे ये ब्रैकेट लगी है, तो ये हर जगह जाके जीरो से इनिशियलाइज कर देता है, ठीक है। अच्छा आप देखें गेट सेल क्या करता है, गेट सेल करता है जी एंटर सेल्स अमाउंट फॉर मंथ, और यहाँ पे वो क्या करता है, यहाँ पे वो देखता है, हाँ भाई वो आई डिस्प्ले करता है और कहता है, हाँ भाई मुझे बताओ फर्स्ट ये इसने डबल एक वेरिएबल बना दिया है और उसने कहा, हाँ भाई मुझे ऐसा करो एंटर करो फर्स्ट मंथ की जो सेल आपने सेल की है वो बताओ, वो डबल वैल्यू रिसीव करता है और सेट सेल के अंदर ये वैल्यू भेज देता है, ठीक है, और लूप खत्म होता है, ये बात समझ आ गई। तो ये लूप यहाँ पर एंड नहीं हो रहा, तो यहाँ पर ये एंड बता रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा मिसिंग है, ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं, सेट सेल क्या करता है, सेट सेल आता है अगर चेक करता है क्या मंथ मेरा, सो देखो कितना जबरदस्त कोड लिखा है, क्या मंथ मेरा 1 to 12 के अंदर है एंड अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन 0, ये उसने क्यों लिखा है,
क्योंकि हमें अमाउंट नहीं 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 ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं क्या अगर कोई सेल में नेगेटिव वैल्यू दे सकता है नो सर नहीं हो सकती ना तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी ठीक है तो वो क्या करता है अच्छा आप देखें जो मंथ देता है वो मंथ में से एक माइनस करता है माइनस क्यों किया सर और अगर कोई इनवैलिड इनपुट दे तो उसके एल्स में आके वो कहता है इनवैलिड मंथ और सेल्स फिगर ठीक है अब यहां अब वो प्रिंट एनुअल करता है प्रिंट एनुअल करने से पहले ये एक फंक्शन है जो कि हमने प्राइवेटली डिफाइन किया था याद है तो ये देखें ये भी उसने यहां डिफाइन कर दिया टोटल इज इक्वल टू जीरो बारह ये बारह का लूप लगाया और टोटल में सम किया और टोटल रिटर्न करवा दिया ये जो फंक्शन है जो कि इसने प्राइवेटली बना लिया है इसे कहते हैं यूटिलिटी फंक्शन ठीक है सीपीपी में तो जाके वैसे ही डिफाइन होगा लेकिन डॉट एच में हम इसको किस रीजन में जाके इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे ये वो फंक्शन है जो कि उसने एज ए हेल्पिंग के तौर पर बनाया है लेकिन ये आउटसाइड वर्ल्ड को नहीं दिखाना चाहता ये बात समझ में आई या नहीं समझ में आई Everybody understand? इसे कहते हैं यूटिलिटी फंक्शन जैसा कि फ्रैक्शन की जो क्लास थी याद है आपको जो आपकी क्लास थी फ्रैक्शन की और फ्रैक्शन की क्लास में मैंने आपको रिकमेंड किया था कि प्राइवेट में यहां पर फ्रैक्शन है ना इसमें एक डिनोमिनेटर है और एक न्यूमिरेटर है ये दो वेरिएबल है प्राइवेट में जाके एक एक फंक्शन बना ले जिसका नाम रखें एलसीएम और एलसीएम को दो पैरामीटर पास हो ए और बी और प्राइवेटली ही एक और फंक्शन बना दे जिसका नाम रखें जीसीडी अब ये जो जीसीडी और एलसीएम है ये आउटसाइड वर्ल्ड को एक्सेसिबल नहीं होंगे लेकिन ये जो दो फंक्शन है ये आपने इस क्लास ने अपनी हेल्प के लिए बनाए इस इंजीनियर ने अपनी हेल्प के लिए बनाए जो कि वो यहीं पर बना देता है ठीक है इन्हें हम यूटिलिटी फंक्शन कहते हैं ठीक है यूटिलिटी का मतलब क्या होता है यूटिलिटी स्टोर का मतलब क्या होता है समथिंग जो कि आप उसको डेली वेयर में यूज करें ना ठीक है ना यही कहेंगे ना यूटिलिटी ठीक है क्या मतलब होता है यूटिलिटी का मुझे नहीं पता यू डिफाइन यूटिलिटी ए स्टेट ऑफ बीइंग यूजफुल प्रॉफिटेबल ठीक है यूटिलिटी प्रोग्राम समथिंग यूजफुल ठीक है ना मेक सेंस ठीक हो गया तो ये उसने बना दिया अब उसके बाद वो मेन पे जाते हैं मेन में कहता है जाके मैंने सेल बनाया और बेसिकली ये इसका गेट सेल कॉल किया और ये किया अब ये मेन चलता है मेन उसकी इन सब की वैल्यूज बताता है और आखिर में आउटपुट जाती है इतने डॉलर की आपकी अर्निंग है ठीक है जी एक स्टोर की इतने एक पूरे मंथ की डज इट मेक सेंस ठीक हो गया जी बताएं आप देखें मजेदार बात क्या है आपके प्रोग्राम की जो प्रोग्रामर है इंजीनियर ने जो काम करना था कर दिया है आप आपका प्रोग्रामर सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाता है उसका गेट सेल कॉल करता है और प्रिंट कॉल करता है और जी आपकी देखिए कितना सिंपल हो गया आपका कोड लिखना आपका प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी थोड़ी हो गई ठीक है ना आपने ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए ऑब्जेक्ट्स अपने अंदर जिसने बनाने थे जिस इंजीनियर ने बनाने थे उसने बना दिए और आप उसको यूज कर रहे कमाल नहीं है इसी तरह ऊप की सबसे कमाल बात यह है कि लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई कि तुम ये वाली क्लास बनाओ तुम ये वाली क्लास बनाओ सो तुम ये वाली क्लास बनाओ 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 अब जो प्रोग्रामर है वो क्या करेगा वो कहेगा हाँ भाई मैं अब इन सारों के बनाई हुई क्लासेस को यूज करके यहाँ पे यूज करूंगा ठीक है जो ही मैंने यूज करा जो ही मैंने प्रोग्राम का फ्लो लिखा ठीक है ये बहुत बड़ी बात कि अब असल में पहले जो प्रोग्रामर्स काम किया करते थे उसमें काम ऐसे होता था कि एक ही प्रोग्रामर होता था जिसको ये भी बनाना पड़ता था ये सारा काम इकट्ठा यहां करना पड़ता अब बेसिकली वर्क डिवीजन हो सकती है कि ये क्लास तू बना ये क्लास तू बना ये क्लास तू बना और ये क्लास तू बना और अब हम इसका मिलकर ये मेन बना लेते हैं जो बेसिकली इनको ऑब्जेक्ट्स को यूज करके एक फ्लो बनाएगा ये बात समझ आई तो कितना मजेदार काम हो गया अब आप डिवाइड एंड कंकर के थ्रू चल रहे ऊप की सबसे खूबसूरत बात कि आप अपने प्रोग्राम को क्लासेस में डिवाइड कर दें और क्लासेस बेसिकली यूजली क्या होती हैं जितने में नाउन्स होते हैं वो क्लासेस बन जाते हैं
ठीक है, हम आने वाली क्लासों में ये काम बड़े डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो कि ऊप ने आपको दे दिया, ठीक है। वरना और दूसरी बात मजेदार क्या है कि वो प्रोग्रामर जो बेसिकली इन तमाम क्लासेस को यूज कर रहा है, उसको इसकी इंटरनल डिटेल क्या जाननी जरूरी है कि कैसे इंप्लीमेंट हुआ? नो, नॉट एट ऑल। दैट्स द पावर ऑफ ऊप, कि उसने चीजों को छुपा दिया है और सिर्फ वही चीज आपको दिखाई है जो आपको जरूरत है, ठीक है। सो ये एक स्टेटमेंट है जो बड़ी मशहूर स्टेटमेंट है न्यूटन की, और वो ये है कि आई एम सो ही यू नो ही वाज अ जायंट, ठीक है, बट ही सेड कि आई एम एक्चुअली स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ द जायंट्स, ठीक है। So never think of yourself as something really giant, because you are actually आप एक बहुत बड़ी इल्म की प्रोग्रेस में बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, उनके शोल्डर्स के ऊपर खड़े होकर आप अगर ये कहें कि आप बड़े फन्ने खान हैं तो ये बात आप ना कहें। सिमिलरली ऊप के अंदर जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप प्रोग्रामर हो के यू शुड नो कि ये एक बहुत अजीम अजीम काम लोगों ने अपनी क्लासों के बना के रखे हुए हैं, आपका काम है उनको यूज करके एक बड़ी एप्लीकेशन बना, ठीक है। यू शुड स्टैंड, यू शुड यूज द पावर ऑफ द जायंट्स जिन्होंने बेसिकली ये लाइब्रेरीज बनाई हैं, और आप भी फिर कभी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बने उन लाइब्रेरीज बनाने का, ताकि उसको यूज करके लोग आगे प्रोग्रेस कर सके, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अच्छा ओके जी, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स विद कंस्ट्रक्टर्स, ये देखे जी, ये एग्जांपल है, बता सकते हैं ये क्या किया इसने? टाइम पे आवर मिनट और सेकंड्स को जीरो से ही इनिशियलाइज कर दिया है। यस, इसने बेसिकली क्या किया है, इसने बेसिकली डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर दी है 0 0 0। तो अगर मैं पैरामीटर नहीं पास करूंगा तो ये 0 0 0 पास होगा। तो ये देखे जी, ये इसने मेन बनाया है। एक मिनट, ये किसी ने लाइन लगा दिया। नीरव बाद आ जाओ तुम, मुझे पता लग गया था किसने किया। अच्छा ये देखिए, इसने सेट टाइमर बनाया और आप देखें, ये हम आते हैं यहां पे, ये मेन में आए, मेन में सिर्फ हमने उसे अब मैं अगर ये टाइमर T1 बनाता हूं तो कैन यू गेस कि क्या होगा? बाय डिफॉल्ट यहां पे क्या पैरामीटर पास हो जाएगा? और इधर क्या पास होगा? ये क्या कहा करेगा? 2 0 0 2 0 0 पास कर। और ये क्या पास करेगा? 21 34 और 0। ये क्या पास करेगा? 12 25 और 42 पास करेगा, ठीक है। ये पास क्या करेगा? पास 27 for 74 और 99 करेगा, लेकिन वैल्यू असाइन जाके क्या होगी? 0 0 0 0 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गलत वैल्यूज एंटर हुई है, तो वो क्योंकि उसने साथ ही वो सेट टाइम वाला कॉल करना है, तो उसकी वजह से वो 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रिंट स्टैंडर्ड जो है वो ये 0 0 0 आउट करेगा, ठीक हो गया। सो प्लीज गो थ्रू दिस एग्जाम्पल ऑल्सो। डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर बेसिकली क्या होता है, जिसको हमने याद है अपने क्लास में, हम क्लास का नाम की तरह कंस्ट्रक्टर की तरह ही होता है, बट उसके साथ टिल्डा लगा होता है। और टिल्डा का फायदा क्या होता है? टिल्डा का फायदा ये होता है, ये जो डिस्ट्रक्टर का फायदा ये होता है कि कई ऐसी चीजें हैं जो कि आप क्या करना चाहते हैं, कई ऐसी क्लासे हैं जो आप बनाएंगे जिसमें कंस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब कोई ऑब्जेक्ट बनता है। डिस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब आपने कोई चीज, जब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा आप इमेजिन करें डिस्ट्रक्टर की जरूरत कहां आ सकती है। सो इमेजिन करें कि ये आपने क्लास बनाई, ठीक है, ये बनाई क्लास है, ठीक है, और इस क्लास में आपने एक इंटीजर पॉइंटर रखा हुआ, इसमें ए लिखा हुआ, लेट्स से मैं एक अरे कर देता हूं। अब इसके अंदर कहीं जाके आपने अरे को न्यू से मेमोरी एलोकेट, और ये बनाई 10 साइज। अब आपने इस ए टाइप का एक ओबीजे बनाया,
और आपने वो कंस्ट्रक्टर के अंदर कहीं जाके 10 की वैल्यू जनरेट हो गई, और ये आपने इस स्कोप में बनाया था और ये स्कोप खत्म हो गया। जब खत्म होगा तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली मेमोरी से रिलीज हो जाएगा। लेकिन क्या ये मेमोरी जो आपने हीप पे बनाई थी ये रिलीज होगी? नहीं होगा। तो वो कौन करेगा डिलीट? आप डिस्ट्रक्टर में जाकर क्या करें, उस पॉइंटर के थ्रू से डिलीट करवा। तो ये फायदा होता है डिस्ट्रक्टर का। ये बात समझाई? तो डिस्ट्रक्टर जो है वो भी ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं। डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं। जब एक ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, जब एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तो डिस्ट्रक्टर कॉल। ठीक है, तो ये आपके सामने एक बड़ी मजे की हम एग्जांपल करने लगे हैं, इसका नाम है क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय। अच्छा, इसके अंदर ये क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय है। आई थिंक यहाँ पे कॉन्स्ट लिखना जरूरी है। ये पुरानी सी प्लस में कॉन्स्ट लिखना जरूरी नहीं था, लेकिन आप कॉन्स्ट लिखना जरूरी होता है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर दो चीजें हैं, एक है ये और एक है ये। ठीक है, ओके, यहां पर हम कॉन्स लिख देते हैं। ठीक है, ओके, इसके अंदर बेसिकली से दो चीजें हैं, एक उसका ऑब्जेक्ट आईडी और एक उसका मैसेज। ठीक है, क्या मैसेज डिस्प्ले करना। ठीक है, अच्छा, ये बिफोर आई स्टार्ट ए दिस एग्जांपल, अच्छा इसके अच्छा जी ये आखिरी एग्जांपल है, ये हम कर लें। अच्छा, ये कुछ भी नहीं करता, ये इसके अंदर दो पैरामीटर पास होते हैं, एक ऑब्जेक्ट नंबर पास होता है और एक मैसेंजर पास होता है। ये ऑब्जेक्ट आईडी को ये असाइन कर देता है और मैसेज को जो भी मैसेज आता है वो वाला पॉइंटर असाइन कर देता है। ठीक है, और ये डिस्प्ले कर देता है कि ये जो ऑब्जेक्ट फलाना है वो कंस्ट्रक्टर उसका रन हुआ है और ये उसका मैसेज है जो डिस्प्ले हुआ है। ठीक है, डिस्ट्रक्टर क्या करता है? डिस्ट्रक्टर कहता है हाँ भाई, अगर ऑब्जेक्ट आईडी 1 है या 6 है तो एंडल कर दो। ये एंडल यूज कर रहा है तो ताकि वो थोड़ी देर बाद आउटपुट हो जाए, और ये ना साथ ही वो ये कर देता है कि उसकी ऑब्जेक्ट आईडी, और बताता है कि भाई फलाने का डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ और उसका जो मैसेज है वो डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, आप सुने बात। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट उसने कहां बनाया? ये ऑब्जेक्ट उसने कहां बनाया? सीपीयू में। हाँ, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात, मैं यहाँ पे ना पावर पॉइंट लेता हूँ। मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं, और वो ये है, सो लेट मी बिगिन कर देता हूँ। अच्छा, ये एक छोटी सी बात आपको मैं बता दूं, और वो छोटी सी बात ये है, लेट मी डुप्लीकेट। अच्छा, आपको याद है मैंने आपको क्लास में बताया था कि आपके कितने सेगमेंट्स होते हैं? फोर सेगमेंट। ऊपर जो सबसे पहला सेगमेंट होता है उसे क्या कहते हैं? ग्लोबल या स्टैटिक सेगमेंट भी कहते हैं इसको। ठीक है, और जो सेकंड होता है उसे कहते हैं कोर सेगमेंट। कोर सेगमेंट, और फिर यहाँ होती है, ये थोड़ा सा होता है, और यहाँ पे हीप सेगमेंट होता है, और यहाँ पर होता है स्टैक सेगमेंट। ठीक है ना? अच्छा, आप सुने बात गौर से। ये जो ग्लोबल सेगमेंट है ना, और या जिसको स्टैटिक सेगमेंट भी कहते हैं, इसमें बनी हुई चीज जब तक प्रोग्राम डिस्ट्रॉय नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो सुने बात गौर से, मैं यहाँ पे एक लिखता हूं, लेट्स से इंटीजर f1, और इसमें ना मैं दो वेरिएबल बनाता हूं, एक है इंटीजर x जिसकी वैल्यू है 10, और एक है इंटीजर y जिसकी वैल्यू है 20। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं x++ y++। ठीक है, और मैं यहां पे एक इंटीजर मेन लिखता हूं। ठीक है, और यहां पर मैं f1 कॉल करता हूं और फिर दोबारा से f1 कॉल करता हूं। f है सरा, चलो मैं इसको f1 कर देता हूं। ठीक है, अच्छा, अब मजे की बात बताऊं मैं आपको, ये और x और y कहां बनेंगे जब मैं f1 कॉल करता हूं, तो कहां बनते हैं? तो ये बेसिकली यहां पर मेन है, इसने कॉल किया तो यहां पर f1 पे कॉल हुआ ना, ये f1 कॉल हुआ,
और फिर दोबारा से एफ वन कॉल होगा, ठीक है ना, ये एफ वन से कॉल होगा फिर वापस आएगा फिर दोबारा एफ वन कॉल करेगा, है ना। मुझे बताएंगे एक्स और वाई कहां बनेंगे? स्टैक में, स्टैक में बनेंगे ना, ये एक्स यहां बनेगा और जो वाई है वो भी यहां बनेगा, ठीक है। अच्छा मैं आपके सामने एक जबरदस्त बात कर रहा हूं, यहां पर अगर मैं एक और वेरिएबल बनाऊं जिसका नाम रखता हूं इंटीजर सी, जिसकी मैं वैल्यू कर देता हूं 30, ठीक है, और मजे की बात मैं इसके साथ यहां पर लिख देता हूं स्टैटिक, स्टैटिक वेरिएबल बेसिकली यहां नहीं बनता, ये कहां बनता है, ये बेसिकली यहां बनता है यार, और ये सिर्फ एक दफा बनता है, तो और मैं यहां पर z++ कर देता हूं, और मैं यहां पे जैसे मैंने फॉर एग्जांपल सी आउट लिखा हुआ x, y और यहां लिखा z, ठीक है, निकलने से पहले मैं ये भी आउटपुट करता जाता हूं, ठीक है। अब मजे की बात, जब मैंने f1 कॉल किया तो x और y ये आउटपुट क्या होगा, यहां पे प्लस प्लस दो हो गए हुए दोनों, तीनों बके प्रोसेस हो चुके हुए, तो क्या आउटपुट होगा, ये आउटपुट करेगा 10 11, ये करेगा क्या 21, और ये क्या आउटपुट करेगा 31, ठीक है। अब मजे की बात, जब मैं दोबारा एफ वन कॉल करूंगा तो क्या आउटपुट होगा, ये एक्स और वाई दोबारा से कहां बनेंगे, दोबारा यहीं से बनेंगे, एक्स स्टैक पे बनेंगे, और जैसे ही फंक्शन से बाहर निकलता है ये एंट्री यहां से इरेज हो जाती है, और फिर जब दोबारा मेन से कॉल होगा तो यही दोबारा से मेमोरी बन जाएगी, और इसमें दोबारा वही वैल्यू स्टोर होगी, शुरू के अंदर क्या यहां पे पड़ा होगा 10, यहां पड़ा होगा 20, और ये जब इंक्रीमेंट होगा तो ये दोनों में इंक्रीमेंट होगा, लेकिन ये जब निकला था तो z की वैल्यू क्या थी, 31 थी। अब जब ये दोबारा f1 में आएगा तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये स्टैटिक वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल सिर्फ एक दफा बनता है, तो क्या होगा, ये बेसिकली अब जब ये लाइन जाके एग्जीक्यूट होगी तो z की वैल्यू कितनी होगी, मुझे बताएं, 32 हो जाएगी, 32 हो जाएगी, तो ये बेसिकली 32 आउटपुट कर देगा, ये बात समझ में आ गई, ये बात आप ज़हन में रखें। इसी तरह ग्लोबल वेरिएबल भी यही बनता है, और ग्लोबल वेरिएबल भी जो अगर आपने बनाया हुआ हो तो वो भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो यहां पर रहता है, जब तक प्रोग्राम डिस्ट्रॉय नहीं होता ये डिस्ट्रॉय नहीं होता। ग्लोबल वेरिएबल का फायदा यह है कि वो हर फंक्शन में एक्सेसिबल होता है, स्टैटिक वेरिएबल का फायदा यह है कि ये उस फंक्शन का वेरिएबल है और वहीं पर यूज होगा, कहीं और किसी और जगह पर यूज नहीं होगा। तो ये जो वेरिएबल है ये बनता ग्लोबल स्कोप में है, लेकिन एक्सेसिबल सिर्फ किस फंक्शन में होगा, जिसमें वो बना है, जिस ब्लॉक में वो बना है, फंक्शन में लाजमी नहीं है, वो एक एम्प्टी ब्लॉक भी हो सकता है, ठीक है। वापस चलते हैं, ये देखें, ये इसने एक क्रिएट का फंक्शन बनाया, ये ऑब्जेक्ट कहां बनाया मुझे बताएं, सो बताते जाएं मुझे, ये ग्लोबल में बनाया, वेरी गुड जी, ये मैं यहां पे मैं मेमोरी बना रहा हूं अपनी, ठीक है, मुझे बताते जाएं कहां कहां पे चीजें बन रही हैं, ये जो फर्स्ट है ये कहां जाके बना है, ये मैं ग्लोबल स्कोप बना रहा हूं, कोर सेगमेंट मैं यहां पे नहीं बना रहा, ठीक है, ये कोर सेगमेंट है सर हमारा, सरफाज आखिरी में एक मिनट दे दो मुझे, एक मिनट दे दो बस, ठीक है, ओके सर। अच्छा ये बनेगा यहां पर, ये वन यहां बना होगा और ये उसका मैसेज जो भी है यहां पर डिस्प्ले होगा, सेकंड कहां बनेगा, सेकंड मेन में बना है तो सेकंड यहां बनेगा, ठीक है। थर्ड कहां बनेगा, ये स्टैटिक है तो स्टैटिक कहां बनेगा, ये थर्ड जो है वो यहां बना होगा, ठीक है। फिर क्रिएट की कॉल जाती है, क्रिएट की कॉल के अंदर क्या होता है, ये देखिए, क्रिएट की कॉल में फिफ्थ बनता है, तो फिफ्थ कहां बनेगा, फिफ्थ अब यहां बनेगा, तो ये क्रिएट की कॉल चली गई अब, तो फिफ्थ यहां बनेगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, फिर सिक्स बना, लेकिन सिक्स क्या है, सिक्स स्टैटिक है, तो ये कहां बनेगा, तो ये कहां बनेगा, ये ऊपर ग्लोबल में, ये ग्लोबल में बनेगा, हाँ जी आगे बताएं। उसके बाद है सेवंथ, सेवंथ कहां बनेगा, सेवंथ बनेगा इस जगह पे, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्रिएट खत्म हो जाता है, जब क्रिएट खत्म होगा तो ये कौन कौन से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, फाइव और सेवन, फाइव और किस ऑर्डर में डिस्ट्रॉय होंगे, जो बाद में बनेगा वो पहले डिस्ट्रॉय होगा, तो डिस्ट्रक्शन इस ऑर्डर में होती है, तो कौन सा पहले डिस्ट्रॉय होगा, सेवन और फिर फाइव,
सेवन पहले डिस्ट्रॉय होगा फिर फाइव डिस्ट्रॉय होगा, तो लेट मी शो इट टू यू। तो ये देखें जी, क्रिएशन सबकी हो चुकी है, तो वन क्रिएट हो चुका है, टू क्रिएट हो चुका है, थ्री क्रिएट हो चुका है, फाइव सिक्स सेवन हो चुका है, और अब डिस्ट्रक्शन उलट ऑर्डर में हो रही है, सेवन डिस्ट्रॉयड फाइव डिस्ट्रॉयड। और देखो उसी फंक्शन में स्टैटिक बना था लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, जो जो स्टैटिक था लोकल ये सिक्स डिस्ट्रॉय नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। और आगे देखें, अब मेन आपका मेन आपका पास फोर्थ बनता है, तो ये दोनों डिस्ट्रॉय हो चुके हुए, तो ये डिस्ट्रॉय हो चुके हुए, अब मेन में आके फोर्थ बनता है, तो फोर्थ दोबारा यहां बने, अब मेन खत्म हो गया, मेन में अब कौन कौन से बाकी रह गए जो डिस्ट्रॉय होने हैं, एक फोर है और एक टू है, तो कौन सा पहले डिस्ट्रॉय होगा फिर कौन सा डिस्ट्रॉय होगा? पहले फोर डिस्ट्रॉय होगा, ये देखें जी, पहले फोर कंस्ट्रक्ट हुआ, फोर ही डिस्ट्रॉय हुआ और फिर टू डिस्ट्रॉय हुआ, और उसके बाद अब मेन खत्म हो गया, मेन खत्म हो गया, तो अब किन की डिस्ट्रक्शन की बारी आनी है? ग्लोबल वाले सर, ग्लोबल सेगमेंट में, और वो किस ऑर्डर में डिस्ट्रॉय होंगे? जिस ऑर्डर में क्रिएट हुए थे उसके रिवर्स ऑर्डर में, तो सबसे पहले सिक्स डिस्ट्रॉय होगा, फिर थ्री डिस्ट्रॉय होगा और फिर वन डिस्ट्रॉय होगा। सही देखें जी, सिक्स डिस्ट्रॉय हुआ, थ्री डिस्ट्रॉय हुआ और वन डिस्ट्रॉय, ठीक है जी, ये बात समझ आगे। आगे एक छोटी सी एग्जांपल है जिसमें आप चाहें तो फंक्शन के गेटर और सेटर बना सकते हैं। सेटर क्या होता है कि जिस तरह सेट टाइम एक बनाया था, आप सेट आवर बना लें, सेट मिनट बना लें, सेट सेकंड बना लें, और गेटर बना लें जो क्या करता है, जो आपकी उस इंटीजर वैल्यूज को रिटर्न करवाता है। तो ये देखें जी, ये आप सेटर और गेटर के थ्रू ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गेट गेट सेकंड सेकंड रिटर्न करवा रहा है, गेट मिनट रिटर्न करवा रहा है। तो ये चैप्टर हमने गो थ्रू कर लिया, आप ये चैप्टर अच्छी तरह से जाके पढ़ लें और वी आर डन विद दिस चैप्टर, ठीक है जी। ये सिक्स चैप्टर और इसकी जो एक्सरसाइज है वो आपने सारों ने जाके करनी है, और इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम करने हैं वो हम आपको बता सकते हैं, ठीक है। मेक सेंस? ये एग्जांपल बेसिकली ये जो एग्जांपल है एक्सरसाइज वाली वो आपने जाके करनी है, ठीक है। ये एक पूरी एक उसने एक एप्लीकेशन बनाई है एलिवेटर के नाम से, वो आप बेशक ना पढ़ें, ठीक है। यहाँ पर ये एक्सरसाइज शुरू होती है, आप पढ़ लीजिए, ठीक है। प्लीज निम्रा सारा आप लोगों ने ये ना बुक शेयर कर देनी है बच्चों के साथ, और ये उसकी एक्सरसाइज है, ये इन्होंने अब बच्चों ने सॉल्व करनी है और इसको अच्छी तरह से याद करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई होप यू। ये वैसे बाय द वे हमने इसके दो प्रॉब्लम कर लिए हुए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी कर लिया हुआ है और ये रैशनल नंबर भी हमने बना ली हुई है जो कि फ्रैक्शन ही क्लास थी, ठीक है। सर चैट इनेबल कर दे, अटेंडेंस रहती लगाने वाली। जी 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 जी, आप एक काम करें सारे के सारे एक दफा दोबारा से अटेंडेंस, एक मिनट जी, एक मिनट रुके रुके रुके, अभी कोई ना रखे। ये जी सेकंड अटेंडेंस, ओके जी, थैंक यू सो मच। आई होप यू एंजॉयड द चैप्टर रीडिंग। चैप्टर रीडिंग मैंने बेटा इसलिए करवाई है कि आप लोगों को ये बुक पढ़ने की आदत बने, क्योंकि बेसिकली बेटा एक सबसे बड़ा मसला ये है हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ ना चीज़ों को जो बुक की स्टडी है वो काफ़ी ख़राब हो गई है लोगों की, तो वो ना प्लीज़ आप लोग ज़रूर पढ़ें ताकि इसके ऊपर हमें रीडिंग ज़रूर करनी है इस चैप्टर्स की। बुक मैंने ज़रूर लगानी है आपके साथ ताकि आप लोग ना बुक से रीडिंग शुरू करें और अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकें, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, see you in the, आपको ना एक्सरसाइजेस आ जाएंगी सर। फ्रांस जी 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 बताएं, वो बैच 19 की लैब कब आते हैं, वो आपने बताना था। अच्छा जी, बाकी लोग बेशक आप लीव कर सकते हैं बैच 19। अच्छा, आप लोगों का ये है कि जो आई विल ट्राई कि मैं निम्रा या सारा या जो भी मीरब और वो हैं सना उनसे बात करूं, और आप लोग ना आप लोगों को जो लैब है वो मिल जाया करेगी मंडे को, और आप लोग चाहें तो मंडे की शाम को भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो ट्यूसडे की टाइमिंग में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको हम बता देंगे किस तरह आपने, आप एक काम करें अगर आप हो सकते हैं ना कि आप एक चैट ग्रुप बना दें व्हाट्सएप पे, और हम जिसमें आप लोग सारे के सारे हों, और हम लोग ना उसके ऊपर मैसेज कर देंगे आप, ठीक हो गया? ठीक है, सही है, चलें, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सो मच, ठीक है जी।
अल्लाह हाफिज़।